सो हेलो यार, वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल लेकर पता लगा रहे हो कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने विंडोज़ 11 को फास्टर बना सकते हैं। यानी कि हमारे जो यानी कि बहुत ज़्यादा लो स्पेक्स वाले होते हैं और वो लैग होने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको विंडोज़ प्लस आर बटन को क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है टेम्प। आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको सिंपली यहाँ पर टेम्प पर क्लिक करना है और इन सारी की सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देना है। ये देखिए, मैंने सारी की सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया। आपको सिंपली इसको क्लोज करना है, उसके बाद आपको एक न्यू टैब ओपन करनी है, फिर से विंडोज़ प्लस आर को क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ परसेंटेज टैम्प परसेंटेज पर क्लिक करना है और सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको विंडोज़ प्लस आर बटन क्लिक करके प्रेफरेंस में चले जाना है और इसकी भी सारी की सारी फाइल्स को आपको डिलीट कर देना है। ये देखिए, दोस्त नहीं डिलीट हो तो स्किप कर देना। उसके बाद सिंपली आपको उसको क्लोज करना है, उसके बाद विंडोज़ प्लस आर बटन क्लिक करके आपको सीएमडी क्लिक करना है। सीएमडी में जाकर सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले कलर ए टाइप करना है, इससे कलर ग्रीन होगा। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मैंने कूल दिखने के लिए टाइप किया है। तो अभी आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है फ्री फ्री क्लिक करके एंटर कर देगा, या अपनी फाइल्स को एकदम पूरी तरह से क्लीन कर देगा। उसके बाद इससे आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा। उसके बाद आपको /s आपको यही टिप। तो फ्रेंड्स, बूम, ये हमारे कंप्यूटर के सारे की सारी टेम्परेरी फाइल्स को परमानेंटली क्लोज करने में शुरू हो जाएगा। तो आई होप गाइस यू एंजॉय अवर दिस ट्यूटोरियल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप देख सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हैकिंग कर रहा हूँ, पर ये हैकिंग में कुछ नहीं है, एक विंडोज़ का ही एक फंक्शन है, जिससे कि आप अगर चाहे तो अपने दोस्तों को पागल बना सकते हैं। मैंने खुद अपने 2-4 दोस्तों को इसी तरह से पागल बनाकर छोड़ दिया है। अभी तक वो लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, क्या बात है। तो ये काफ़ी टाइम लेगा। तो ये देखिए, ये कम्प्लीट हो चुका है। आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है और सारी की सारी टेम्पररी फाइल्स को एम्प्टी कर देना है। आप रिजल्ट देख सकेंगे, आपका कंप्यूटर पहले से कई गुना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आई होप गाइस यू एंजॉय अवर दिस ट्यूटोरियल। मुझे पता है मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो।